सर तो मेरा नाम हर्षित वशिष्ठ है, मैं दिल्ली से रेज करता हूँ और मेरा सिलेक्शन अभी IBPS PO में हुआ है। मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग की। बैंकिंग को आपने पहले ही बताया था कि 6-8 महीने की तैयारी में निकाला जा सकता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है हर्षित और इनका सिलेक्शन हुआ है पीओ में, IBPS पीओ में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो चलिए बिना किसी देरी के हर्षित के पास चलते हैं और मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सेशन को 5-7 मिनट का करना और आपको मैक्सिमम आउटपुट दिलवाना सिलेक्टेड कैंडिडेट से। मैं ऐसी काफी सारी वीडियो करने की सोच रहा हूँ अलग अलग कैंडिडेट के साथ जो आपके भविष्य के लिए काम आ सके, जितने भी लोग हर्षित की वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले हर्षित, फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले तो आपसे गुड आफ्टरनून हो रहा है, मैं गुड आफ्टरनून कर लेता हूँ। गुड आफ्टरनून हर्षित, कैसे हो और कैसा लग गुड रहा है? आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, मैं आप एकदम अच्छा बताओ। हूँ सर, एकदम अच्छा और सर। तो हर्षित पहले अपने बारे में बताओ, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ। यस सर। सर तो मेरा नाम हर्षित वशिष्ठ है, मैं दिल्ली से रेज करता हूँ और मेरा सिलेक्शन अभी IBPS PO में हुआ है। मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग की ओके, और जैसे लास्ट ईयर जब ये रिजल्ट्स वगैरह आ रहे थे तो तभी मेरे को मोटिवेशन आया जब मैं और बच्चों के ये वाले इंटरव्यूज देख रहा था आपके साथ। लास्ट ईयर भी आपने करे थे तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू गाइस एंड वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड अभी मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO में सिलेक्शन हुआ है सर वेरी एंड गुड आई एम वेरी वेरी हैप्पी गुड। अभी। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है अगर मैं बात करूं? तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है एंड इंग्लिश भी, तो चलो बहुत उन बढ़िया। दोनों में मेरा वो नीच है जो आप कह सकते हैं, तो तो वो मुझे बहुत पसंद है करना। आपने अपनी रीजनिंग को कैसे इम्प्रूव किया? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन से टॉपिक में आती है प्री लेवल की, अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, क्या लगता है प्री में कहां पर डिफिकल्टी आ सकती है बच्चे को या कहां आती होगी? सर प्री लेवल में स्टार्टिंग में जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हो जाते हैं, बट पजल्स में इनिशियली बच्चों को बहुत ज्यादा वो परेशानी आती है, मुझे भी काफी ज्यादा आई। तो उसका मुझे जो बेसिक सबसे सही वो मेथड लगता है वो है टू प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत सारे मॉक टेस्ट। मैंने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए हैं सर, और जो ओके, ओवरऑल प्रिलिम्स के भी मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आई हैव गिवन अराउंड 150 से ज्यादा मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं सर। सो मैं मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट लगाता रहता था, तो इट वॉज लाइक अ और जैसे ऑब्सेशन टू जैसे हम मुझे लोग सॉल्व करना। जैसे आपको लाइव प्रैक्टिस कराई जाती थी, लाइव भी सिटिंग पजल जो हम स्टार्ट कर रहे थे वो भी आप लगाते थे, जो डेली यस हम सर। लोग प्रैक्टिस करते सर वो जो डेली क्विज आते हैं और जो आप डेली जैसे कोई भी वीडियो चल रही है, मेरे को जहां पर जो पजल दिख गई मैं उसे सॉल्व करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा लाइफ में। थे? तो अच्छा मेरा अच्छा वो था कि मुझे बस पजल ढूंढनी है कि कोई मिल जाए और मैं उसे सॉल्व करूं। चलो बहुत सो दैट्स बढ़िया। हाउ आई सॉल्व इट। तो अब मेंस की पजल की बात करूं तो मेंस की पजल का जो फोबिया रहता है स्टार्टिंग में, तो जब प्री से सीधा मेंस पे जब जंप करते तो बहुत सारा डिफरेंस आता है, उसको कैसे यस सर। ओवरकम किया, उसकी पजल कैसे अच्छी कर पाए आप? सर वो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो मैंने तो आपकी एडवाइस पहले ही ले ली थी कि आपको मेंस भी स्टार्टिंग से ही करते रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था कि जैसे 4 पजल्स मैंने प्री की लगाई तो एक मेंस की लगा ली, तो मुझे मेंस के टाइम पे उतनी दिक्कत नहीं हुई उस शिफ्ट को लेने में कि अब अचानक से जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी पजल्स मिल गई हो। आई वॉज सॉल्विंग देम पहले से ही, तो थोड़ा थोड़ा करके पहले एक पजल फिर 2 पजल तो मैंने सॉल्व करता जा रहा था और बाद में वही मेथड की अपना मॉक टेस्ट को सबमिट कर दिया और फिर उन पजल्स को सॉल्व करा। तो बहुत दिमाग खराब होता था पहले तो कि आधा घंटा लग रहा है सॉल्व भी नहीं हो रहा, बट वो सर करना ही पड़ता है, वो हार्डवर्क तो रिक्वायर्ड वो है। बच्चे को जैसे अभी स्टार्टिंग में जो बच्चे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे वो यही देख रहे होंगे कि यार मतलब पजल मेंस वाली दिक्कत, वो यही लगता है जैसे आपने कहा आधा घंटा, तो आधा घंटा जब नहीं आता हो, देखो जब आता हो तब तो देने में समझ में आता है, जब नहीं आता यस तो वो सर। आधे घंटे अपने आप को मनाना कि नहीं यार करना है करना है करना है, उसके लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा? सर या तो 2 मेथड्स रहते हैं सर, एक तो इनर ड्राइव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हमारा रीजन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। जैसे मुझे ये है कि बिल्कुल मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है या फिर बिल्कुल आप लोगों को प्राउड करना है। आप आज मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो और आपके चेहरे पर एक स्माइल है मेरी वजह से, तो मैं काफी हैप्पी हूँ आज। तो एक ये वाई बहुत जरूरी है, और ये कि क्यों करना है ये एक बार सॉल्व हो गया कि हाँ मुझे ये माइंड में हो गया कि मेरे को ये क्यों करना है, ये चीज सॉल्व हो गई। और इसके बाद ये है कि अब उसे कैसे करना है, तो उस जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसा समझ लिया कि मैं सर से बेहतर करके दिखाऊं, सर अगर 2 मिनट में करेंगे तो मैं 1 मिनट में करूंगा, चाहे मैं कर उस समय 7 मिनट में रहा। तो मैंने उस रीजनिंग से प्यार करना सीखा कि मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ेगा, कौन है वो लोग। मुझे मैंने इस पर ऐसे वेरी देखा कि मेरा IQ बढ़ जाएगा रीजनिंग के कारण, गुड मैं अभी ये पजल सॉल्व कर पा रहा हूँ तो शायद लाइफ में आगे जाके बहुत सारी पजल्स रियल लाइफ की सॉल्व करूंगा। वेरी तो मैंने गुड। उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया अपने लिए।
यार ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत पजल अच्छा वगैरह। मेंस में जैसे मैं बात करूं तो मेंस को तो लोग ये कहते हैं कि मतलब बहुत टफ है निकालना या ये चीज है। आपने मेन अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखी कि मुझे कितने नंबर लेकर आने हैं, किस तरीके से आगे चलना है, या आपने अपनी वीकनेस, आपका वीक सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा रहा आपके लिए, सबसे कमजोर सर अगर मैथमेटिक्स 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 एंड जीए। तो उसको मतलब उनको रीजनिंग और इंग्लिश के दम पर आप वैसे आगे बढ़े और उनको साइड में यस लेकर सर चले, तो ऐसा सर नहीं वही लगा कि है। आप, हाँ हाँ क्या उसमें यस क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, मैं वो जानना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर आपने जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो नेगेटिव चीजों पे सोचते हैं कि नहीं मेरा तो ये दो सब्जेक्ट वीक है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, कुछ लोग पॉजिटिव यस होते, तो यस आपका क्या ओवरऑल इस पर एक नजरिया था कि मैं इन दोनों के दम पर निकाल लूंगा, ये यकीन था या डाउट था उसमें, तो उसमें किस तरीके से था आपकी अप्रोच क्या थी इनको लेके। फिर मुझे ये था कि इस जैसे मैथमेटिक्स है तो मेरा एरिथमेटिक उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं क्या किन चीजों पर ध्यान दे सकता हूँ। वेरी तो मैंने गुड, उन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि मैं मैथ्स में समझ लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक तो मैं है, उसको सबसे पहले करूंगा और ओके फिर उसके बाद देखूंगा कि अब जो बच गए उनको थोड़ा थोड़ा कर लूंगा। तो सर वो एक अप्रोच रहती है कि मास्टर ऑफ ऑल नहीं बनना है, वो सबका मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, वेरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा ही करा। मतलब कुल मिला के जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेटिव मूव रखने चाहिए हर चीज में, कि आपको पता है बहुत कि यार कैलकुलेटिव है। इतना 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 रहकर भी सिलेक्शन जाएगी। जैसे मैं कल भी बता रहा था बच्चों के साथ शेयर भी कर रहा था, मैंने कहा यस एसबीए का सर मैं बता रहा था तो 38% नंबर लाने हैं मेंस में, केवल मेंस क्रैक करने के लिए यस वो भी सर जनरल कैटेगरी में 38%, और थर्टी बिल्कुल एट सर परसेंट अगर मैं बात करूं तो 50% में अगर दो सब्जेक्ट भी आपके बेस्ट हैं तो 50% तो वही पोर्शन हो गया कि आप आराम बिल्कुल से सर आप लेके बिल्कुल जा सकते हो। तो साइड बाय साइड कैलकुलेटिव मूव रखकर आपने कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस करो, बाकी छोड़ो सर जो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट पे फोकस बेस्ट करना है बहुत जरूरी है। तो आपके मुझे नंबर ये मतलब था अगर कि बोलिए हाँ जी बोलिए सर सर रीजनिंग में अगर आपके रीजनिंग नंबर में कैसे मैं आते हैं। 60 में से 20 मार्क्स ला सकता हूँ अगर मुझे पता है, तो मैं 20 जरूर लाऊं, ये मैं मेक श्योर जरूर करता था कि ओके बिल्कुल मेक श्योर करूंगा कि जो चीज स्ट्रांग है उसमें तो एक नंबर भी नहीं मैं नहीं देने वाला कहीं भी, अच्छा, ये और रहता मुझे था ये सर। बताओ जब आपको जब पेपर से पहले से एग्जाम से पहले आईबीपीएस वाले एग्जाम से पहले तो बहुत सारे पेपर करवाए गए थे आपको, प्रैक्टिस करवाई गई थी यूट्यूब पर भी यस सर और स्पेशल पर भी, और 45 आवर क्रैश कोर्स भी कराया गया था, तो बिल्कुल सर इन चीजों बिल्कुल से आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, या एग्जाम में जाकर जैसे बच्चे को लगता है, जैसे मेजोरिटी का रहता है बच्चे को लगता है प्री में तो देखो सब एग्जाम में आ जाता है हर कोई पढ़ा देता है, मेंस वाले की मैं बात करूं तो मेंस में वो टच आपको क्या मिल पाया जो एग्जाम में आ रहा था, जो आपके एग्जाम में आया वो टच आपको मिल पाया कि लग पाया कि हाँ यार उस लेवल का हम लोग ही कर रहे हैं, या कहीं पर और सुधार की जरूरत हो। देखो मैं बहुत ओपन हूं, बहुत ओपन, अगर यस सर आपको लगता है कि कहीं पर सर जब पढ़ाते हैं तो यहां पर और सुधार हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेन मकसद बात करने का ये भी है कि कहां पर मैं बच्चों के साथ और बेहतर मेहनत करूं कि वो, आपने तो सिलेक्शन ले लिया कि और बच्चे यस भी अच्छे सिलेक्शन ले पाए। जैसे इस बार मैं फोकस कर रहा हूँ मेनली सिटिंग और पजल पे, चाहे मैं कल से यूट्यूब पर सिटिंग और पजल शुरू कर रहा हूँ सभी बच्चों के लिए 11 बजे, मैंने रात को मेंस भी स्टार्टिंग कर दिया ऑल्टरनेटिव डेज पर कि मैं मेंस भी साथ में लेके चलूंगा इनके साथ। तो अब उसमें भी अगर मैं बात करूं तो किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपका क्या एडवाइस रहेगा कि सर अगर ये चीज जैसे मेरे को कम लगती थी अगर ये ज्यादा उस समय मिल जाती थोड़ा और बेहतर हो जाता तो क्या हो सकता है और आपके अकॉर्डिंग। सर इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, थोड़ा और बेहतर हो सकता है। जैसे एक तो काफी बच्चों के लिए जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम रहती है कि वो समझ लीजिए वो खरीद नहीं सकते कोई सब्सक्रिप्शन या फिर ओके कुछ ओके भी, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए यूट्यूब पर मेंस का कंटेंट काफी कम रहता है जो कि आपका है, मैंने तो वो फॉलो करा। और वो जो आपने बताया कि मेंस का जो कंटेंट आता है जिसमें बैक टू बैक मॉड्यूल्स आते हैं और पेपर्स आते हैं, कि एक जो आप एक सीरीज निकालते हो एंड में कि ये बिल्कुल वैसा पेपर जैसा आएगा, वो बहुत सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो चीज है कि जो लास्ट के 10 दिन है उसमें जो आप पुश दोगे अपनी तैयारी को, वहां पर वो क्वेश्चंस जो सर आप करवाते हो वो आ जाते पेपर में। अब वो मुझे नहीं पता वो कैसे आ जाते, बट वो बिल्कुल वही लेवल होता है जो पेपर का है। तो अच्छा, मेरे ऑन अ हिसाब से सीरियस नोट, अगर मैं सीरियस नोट बात करूं कि कुछ ऐसा जो आपको लगाओ कि यार ये तो लग रहा है कि ये तो ऐसे ही सेट करके बनाया जाता है जैसे सर ने बनाया, ऐसा कुछ मतलब सर अगर आप पजल्स, जो मेंस की पजल्स। पजल्स हैं, जैसे जो नए पैटर्न की पजल्स हैं, अब सर कितने भी पजल आप सॉल्व कर लो अगर आप करंट पैटर्न पे नहीं चल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो जैसा बिल्कुल आपने बताया कि बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ता है इस एग्जाम में, बैंकिंग को आपने पहले ही बताया था कि 6-8 महीने की तैयारी में निकाला जा सकता है, तब मुझे मजाक लगता था कि नहीं यार ये तो सरकारी नौकरी है और इसको तो नहीं निकाला जा सकता, बट देन मैंने उसे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फॉलो करा कि मुझे टॉप नहीं करना है इस एग्जाम में,
सही बात है। मेंस में भी 225 में से 83 मार्क्स कट ऑफ थी लास्ट ईयर, 83 तो लाने हैं, तो ज्यादा तो करना नहीं है, तो जितना कर सकते उस पर बहुत फोकस रखा। और राइट कंटेंट बहुत जरूरी है देखना, आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स ऐसे हैं, बट आप कोई भी पढ़ा रहा है आजकल, टीचर्स बहुत कम है, पढ़ा बहुत सारे लोग ने, तो मैं ये कहूंगा कि आप टीचर हो, मैं तो श्योरली रिकमेंड करूंगा कोई भी अगर नया, इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली क्योंकि मैंने पढ़ा है आपसे और मुझे तो फायदा मिला है उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप 2-3 साल पढ़ते रहोगे फिर। और अच्छा एक चीज और है कि आपने जो फोकस किया, जिस पर भी आप, जैसे रीजनिंग में आपने मुझे फोकस किया, बाकी जिसको भी फॉलो किया आपने मैथ इंग्लिश और जीए में, तो उनकी बातों के अलावा जैसे अगर मैं बात करूं तो कितना ये रहता है, इसका कितना बड़ा रोल होता है कि हम जिसको मान रहे हैं उसकी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आगे बढ़े, ये इसका आपको कितना रोल लगता है, इसका रोल होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे जीए के लिए 2-3 दिन लोगों को फॉलो करते हैं, या रिसोर्सेज मतलब काफी सारी वेबसाइट फॉलो करते हैं, या ऐसे ही मैथ के लिए भी, चलो इनको भी देख लेते हैं इनको भी देख लेते हैं, या इंग्लिश के लिए या रीजनिंग के लिए भी, तो क्या जैसे मैं तो हमेशा मेरा ऐसा मानना है, ऐसा टीचर अगर मैं बात करूं कि जरूरी नहीं है कोई मुझे फॉलो कर रहा हो, किसी को भी कोई फॉलो कर रहा हो, तो वो उसी को फॉलो करेगा तो शायद उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है ऐसे इसका कितना रोल पड़ता है, क्योंकि आप हो सकता है कि मेरा तरीका हो कि मैं कहूं कि ये चीजें छोड़ छोड़ के करो, हो सकता है कोई दूसरा बोले कि नहीं नहीं ये पहले करो, तो अगर आपने दोनों को सुना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और लिटरली आप ही का करियर खराब होगा, तो इसमें आपको इस वाली बात का कितना रोल लगता है, क्या आपको लगता है इसमें? सर ये मेरे को लगता है शार्पनिंग द एक्स वाली बात है कि आपको काटने से पहले अपनी एक्स को शार्प करना पड़ेगा, तो ये डिसाइड करने से पहले कि मैं किस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, पहले आप पूरी रिसर्च कर लो, आपको जितना देखना है आप 1-2 दिन उसमें दे दो कि मैं किस टीचर से पढ़ू, फिर आप डिसाइड कर लो कि मैं इन टीचर से पढ़ूंगा, और फिर आपको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि वो टीचर हैं, वो जानते हैं, दे विल गेट यू थ्रू, वो आपको ले जाएंगे, वो करवा देंगे, उसमें फिर डाउट नहीं रखना है, नेवर डाउट योर टीचर। आपने एक टीचर बनाया, देन यू हैव टू काइंड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्ट देम कि हाँ जो ये बता रहे हैं यही आएगा पेपर में, और जब वो सर वो ट्रस्ट आ जाता है ना तब आप तैयारी भी करते हो, जब आपके पास ट्रस्ट नहीं है किसी टीचर पे तो आप उनकी वो बातें ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, सर कह रहे हैं कि ये 4 क्वेश्चन आएंगे और आपने सोचा अरे नहीं नहीं वो दूसरे वाले कह रहे थे ये 4 आएंगे, फिर वो आप उन पे चले गए, तो आपने ये 4 भी नहीं पढ़े, शायद इनमें से कोई आता अगर आपने ट्रस्ट करा होता तो मुझे लगता है ट्रस्ट बहुत जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है कि मुझे भी देखना है, समझ लीजिए रीजनिंग में आपने बताया कि मिसलेनियस का उतना रोल नहीं है, पर शायद मेरे लिए वो है क्योंकि मेरे लिए वो इजी है, तो मुझे अपना भी देखना है, और प्लस टीचर को तो डेफिनेटली ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, टीचर पर ट्रस्ट नहीं है तो एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट है, वो बच्चे हॉप करते रहते हैं टीचर टू टीचर। बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो आप एक तो फोकस्ड होना तो पहले लाइफ में बहुत जरूरी, एक पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गिरोगे तो वो पर्पस ही होगा जो आप में फिर से नई ऊर्जा लेकर आएगा कि हाँ यार कि नहीं नहीं मैं फेल हो गया कोई बात नहीं मैं फिर से वापस आता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करना, क्योंकि आपसे बेहतर वो कोई नहीं जानता कि आप किस में वीक हो किस में स्ट्रांग हो। तो हर्षित, हर्षित नाम है आपका, हर्षित से बात करके मैं यही बता सकता हूँ, बाकी लोग जो मुझे इस वीडियो को सुनेंगे बाद में, कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी वीकनेस को भी पता होना कि ये भी पता होना चाहिए मेरी वीकनेस है और इसको मुझे कैसे साथ में लेकर चलना है। तीसरा जो सबसे जरूरी काम आएगा, जिसको भी आप फॉलो करते हो उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए और आगे चलते रहिए चलते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। आपकी तरफ से हर्षित कोई और एडवाइस अगर आप कोई देना चाहे किसी बच्चे को कि और वो अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो अपने आप को कैसे बूस्टअप रखे, वो कैसे ओवरकम करे अपने फियर को, मतलब बात नहीं कर पा रहा है तो कैसे उसको ओवरकम कर सकता है, इसमें आपका कोई सजेशन? सर ये जो नौकरी का जो तैयारी है ना ये काफी वैसे टनल टाइप है कि आपको पता होता है कि आगे लाइट है पर दिख नहीं रही होती है, बिल्कुल तो उसमें बस एक ही गोल्डन एडवाइस है कि आपको चलते रहे, चलते रहिए, आपको उसमें चलते रहना है और आपको सफलता मिलेगी अगर आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो, अगर आपके इमोशन सच्चे हैं। अब आप सर बुक खोल के तो बहुत बच्चे बैठे रहते पर वो तैयारी नहीं कर रहे, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, और मुझे तो लगता है कि हार्डवर्क से वो मिलेगा, हार्डवर्क इज द की। मुझे क्या लगता है हर्षित, देखो हर बच्चे से जब भी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट बताए, अभी मैं दूसरे जिससे कल मैंने किसी से बात करा तो किसी ने एक वीडियो मेरे को भेजी 2-2.5 मिनट की कि सर मेरे को आपकी ये वाली बात ना जिसमें किसी दिन मैंने बताया था कि 24 घंटे नहीं 23 घंटे आपको पढ़ना है और 1 घंटे एनालाइज करना है, मतलब 23 घंटे कुछ और काम करना है 1 घंटे कुछ और करना है,
तो उसने उसको वो वाली बात पिंच कर गई, आपको ये पिंच कर गई कि आपने कहा कि 6 से 8 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, या फिर आपने सर आपने कहा था कि प्री और मेंस साथ में लेकर चलना है, ऐसा नहीं करना कि आपसे शुरुआत में पजल नहीं होगी, आधा घंटा भी देना है, तो आपने वो दिया। तो जिस भी बच्चे को जो भी बात समझ में आ जाती है वो उसी पर अगर फोकस करके आगे बढ़ेगा तो रिजल्ट आपके सामने है, आज नहीं तो कल रिजल्ट आपको मिल ही जाना है। तो सभी बच्चों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी कोई भी बात जब सुने, जैसे कल आपने वीडियो में भी देखा होगा काफी सारे लोग ये कह रहे थे सर आपका वो मोटिवेशन एग्जाम से पहले का बड़ा काम है, जैसे आपने कहा सर एग्जाम से पहले के 10 दिन बड़े काम है, जो आपने कहा कि इन्हीं में से पेपर आ जाएगा इस तरीके से, तो आप जरूर सभी लोग जो देख रहे हो या फिर आपने जो मेरे को लगा कि आपने जो ये वाली बात बोली वो भी काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने किसी और को देखा आपके साथ बैठे हुए तो मुझे लगा कि मुझे भी यहाँ आना है। और मुझे सबसे अच्छी पॉइंट आपका लगा कि यार आपने जो बोला कि 225 में से 83 तो लाना था तो वो तो मैं ले ही आऊंगा, तो या फिर जैसे बच्चे को लगा कि 250 में से 90 नंबर लाना है वो तो मैं ले ही आऊंगा, यार मुझे कौन सा 250 लेकर आने, मुझे इतना ही काम करना है कि मुझे 100-120 के लिए वर्क करना है। तो वेरी गुड यार, आपकी चीजें सुनकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे, मैं तो यही बोलूंगा। तो सर हवा नहीं बनाना है बिल्कुल भी मन में ना कि कोई बहुत बड़ी चीज है मिल नहीं सकती हमें कभी या फिर कोई बहुत बिग डील है, यू कैन गेट देयर, आप बिग डील हो, वो एग्जाम बिग डील नहीं है। और कोई कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट अगर आपके साथ हुआ हो कि सर मेरे साथ ये हुआ था मुझे मतलब ये हुआ, कोई भी अच्छा इंसिडेंट या खराब इंसिडेंट जो भी आप बताना चाहे शेयर करना चाहे जो आपके साथ हुआ हो इस प्रिपरेशन की जर्नी में, जो भी आपके साथ कुछ अच्छा लगता है कि ये चेंज हो पाया या इसने मुझे चेंज किया या किसने आपको रिकमेंड किया, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो जो आप चाहो। जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर ज्वाइन करा एक मॉल में, तो वहां पर मैं काम करता था एंड आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ नॉर्मल एम्प्लॉई, वही अपना जो सैलरी होती है नॉर्मल से होती है। तब तक मुझे कोई मोटिवेशन भी नहीं था और दिमाग में भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। एंड देन एक दिन मेरा कोई दोस्त आया मेरे पास और उससे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उसने बताया कि यार गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते। तो बस वो एक दिन था जब मैंने बैठ के सोचा ये चीज कि हाँ गवर्नमेंट के लिए भी तो जा सकते हैं। आई वॉज ऐसा नहीं था कि बस जॉब में अनहैप्पी था, बट वो क्लिक करना जरूरी है। उस दिन से मेरे दिमाग में वो चलना स्टार्ट हुआ। तो सर वो एक क्लिक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिलना, किसी से भी मिल सकता है आपको। सही बात है कि हाँ कैसे होगा क्या होगा। एंड देन आपने जैसे बताया कि मैंने आपकी दो बातें सुनी, वो इसलिए सुनी क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। मैंने जब देखा कि हाँ बैंकिंग की तैयारी कौन कौन लोग करवाते, तो मैंने देखा अच्छा पुनीत सर रीजनिंग पढ़ा रहे, दो कॉन्सेप्ट पढ़ के देखे समझ में आ गए कि ये तो करा जा सकता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या है, मैं कर लूंगा इसको। तो जब वो कॉन्फिडेंस आया तो सोचा कि हाँ अब डीप डाइव करना है इसमें और अब तैयारी करेंगे और निकालेंगे बिल्कुल। तो सर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी बहुत जरूरी है। चलो ये मुझे लगता है काफी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मुझे लगता है कुछ ना कुछ जब अगली बार अगले नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो कोई ना कोई कह रहा होगा सर एक हर्षित भैया से बात करी थी और उनकी मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी और उसके बाद में यहाँ पर एक आपके सामने आज बैठा। तो चलिए आखिरी बात भी है सर, बहुत अच्छा लगा हर्षित बात करके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप और अपने आगे आने वाले जीवन में भी तो बहुत बड़ी लाइफ है, अभी तो पहली सीढ़ी चढ़ी है तो बहुत कुछ, और मैं उम्मीद करूंगा आप ऐसे अपनी फैमिली का और हम लोगों को प्राउड फील कराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।